तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। कुछ ही मिनटों में या कुछ ही देर बाद बड़े बड़े रिकॉर्ड्स यहां पर टूटने वाले हैं। मिलियंस में लाइक्स के मामले में, व्यूज़ के मामले में, फर्स्ट 6 आवर्स में कितने लाइक्स मिले हैं, फर्स्ट 20 आवर्स में कितने लाइक मिले हैं, फर्स्ट 12 आवर्स में कितने लाइक मिले हैं। जो पठान अभी तक सबसे ज़्यादा व्यूज़ लेकर बैठी पड़ी है उसका रिकॉर्ड ये तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ टाइगर 3 का आज ट्रेलर आना है, मोस्ट मच अवेटेड मूवी का, मोस्ट लवेबल फ्रेंचाइजी मूवी का, और मूवी लवर्स के लिए मैं आज कह रहा हूं बहुत बड़ा दिन होने वाला है। खासकर सलमान खान के डाई हार्ड फैंस के लिए तो ये बड़ा दिन है ही है, लेकिन यहां पर ढेर सारे रिकॉर्ड्स आज टूटने वाले हैं। क्योंकि वाइरफ ने क्या किया, कल एक दिन पहले से ही प्रीमियर लगा रखा है, मतलब एक दिन पहले से ही टाइगर 3 के ट्रेलर का प्रीमियर लगा रखा है। जो अभी तक मैं अगर लास्ट 10:05 के आसपास ये चेकआउट कर रहा था तो 70,000+ लाइक्स आ चुके हैं इसमें, 11,000+ कमेंट्स आ चुके हैं। तो ये एक्साइटमेंट देखकर लग रहा है कि भाई साहब बड़े बड़े रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं और नए नए रिकॉर्ड क्रिएट होने वाले हैं। जवान का अगर मैं बताऊँ तो फर्स्ट 6 आवर्स में 1,000,000+ लाइक्स ले आया था। क्या ये रिकॉर्ड ये तोड़ पाएगा नहीं तोड़ पाएगा वो आगे देखा जाएगा, लेकिन हाँ मे बी पॉसिबिलिटी है कि 6 घंटे के अंदर ही 1,000,000+ लाइक्स इसके हो जाएंगे, मैचअप कर जाएगा, या हो सकता है रिकॉर्ड भी ब्रेक डाउन कर जाए। क्योंकि सलमान खान का लोग काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, इनकी जो पिछली मूवी जो पिटी हैं काफ़ी फ्लॉप गई हैं, उसके बाद इस बेहतरीन कॉन्टेंट का लोग ज़बरदस्त तरीके से इंतजार कर रहे हैं। पठान का अगर मैं बताऊँ तो पठान के ट्रेलर ने अभी तक इस साल में सबसे ज़्यादा व्यूज़ के मामले में नंबर 1 बैठा है पठान का ट्रेलर, जिसके 98,000,000+ लाइक व्यूज आ रखे हैं। लाइक्स के मामले में 2.4,000,000+ लाइक आ रखे हैं और कमेंट के मामले में 2,00,000+ लाइक। जवान की अगर मैं बात करूं तो जवान के ट्रेलर ने इतने ज़्यादा व्यूज़ गेन नहीं करे, 68,000,000+ व्यूज़ थे, लाइक हैं उसके 1.7 मिलियन। ये सिर्फ हिंदी का बता रहा हूं मैं, हिंदी सिंगल लैंग्वेज में। कमेंट्स के मामले में 1.3 लाइक्स आए थे, लेकिन हाँ जवान के प्रीव्यू ने आप फाड़ रखी थी। जवान के प्रीव्यू ने व्यूज़ के मामले में बताऊं तो 83,000,000+ व्यूज आए थे और लाइक्स के मामले में ये 2,000,000+ लाइक्स ये इतने ही व्यू में लेके आ चुके हैं। सिर्फ हिंदी सिंगल लैंग्वेज के बारे में ये बात चल रही है। प्रीव्यू अगर मैं बताऊं, कमेंट्स में मैं बताऊं तो 1.7 लाख+ कमेंट आए थे। लियो जो अभी ताज़ा ट्रेलर रिलीज हुआ है करीबन 4 से 5 दिन पहले, इसने तमिल लैंग्वेज का मैं बताऊं सिंगल लैंग्वेज में ही व्यूज़ गेन करे हैं, कितने 51,000,000+ व्यूज़ और लाइक के मामले में 3,000,000+ लाइक्स। तो लाइक्स के मामले में लियो का ट्रेलर मैं कह रहा हूं नंबर 1 पर बैठा है, जिसने पठान के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, उसके बाद जवान के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। क्योंकि लाइक्स के मामले में सिर्फ 51,000,000 व्यूज़ में 3,000,000+ लाइक्स आ रहे हैं, जबकि पठान का व्यूज कितने थे 98,000,000 और यहां लाइक आए थे 2.4 मिलियन। तो लियो मोस्ट मच अवेटेड, इसके लिए अलग ही तबाही चल रही है भाई साहब, इसका मंजर ही अलग देखने को मिल रहा है। तो अभी देखते हैं टाइगर 3 क्या कर सकता है, कुछ ही देर बाद पता लग जाएगा कि इसको कितने लाइक्स मिलने वाले हैं। वैसे देखकर लग रहा है कि जब अभी ही प्रीमियर में ही जब ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ है तो 70,000+ लाइक्स आ चुके हैं, तो मे बी पॉसिबिलिटी है ये लियो ट्रेलर के रिकॉर्ड को भी एक बार के लिए बीट डाउन कर जाए। किसके मामले में? लाइक्स के मामले में। पठान के ट्रेलर को कहां पर बीट डाउन करेगा? व्यूज के मामले में। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन मे बी पॉसिबिलिटी है ये ट्रेलर, टाइगर 3 का ट्रेलर इन सारे रिकॉर्ड को ना कि सिर्फ मैचअप करेगा बिल्कुल खदेड़ देगा। तो आपकी क्या राय है, क्या ये ट्रेलर इस सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर जाएगा? व्यूज के मामले में 100,000,000+ व्यूज ये गेन कर सकता है या नहीं कर सकता है? जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, मतलब ट्रेलर में, ट्रेलर का जो बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, ट्रेलर में मिलते हैं। जय हिंद।